जोहार नमस्कार, मैं हूँ रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ रांची के मोराबादी मैदान में और आप यहाँ जो मेरे पीछे महिलाओं की जनसंख्या देख रहे हैं वो यहाँ पूरे झारखंड प्रदेश से, मतलब झारखंड के 2400 जिलों से यहाँ आई हुई है। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संत ज्योति का अध्यक्ष संघ महाजुटान सभा सम्मेलन में और इनकी मांगों को सुनने के लिए मंच पर यहाँ सरकार के मंत्री भी उपस्थित हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं इनसे कुछ बात करूँगी और आपसे जानने की कोशिश करूँगी इनकी मांगे क्या हैं और ये क्यों आज इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ आए हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जोहार दीदी। हेलो, आपका नाम? लक्ष्मी देवी है। यहाँ पे जो इतनी जनसंख्या में महिलाएं आई हुई है, तो आप बता सकते हैं आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग अपना मांग को लेकर आए हैं यहाँ आवाज उठाने के लिए सरकार से कि हम लोग को सरकारी वेतन मिलना चाहिए, मानदेय जो मिलता है वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को सरकार से अपना हक अधिकार का लड़ाई है और अपना हम लोग को सबको 12 महीने का मिलता है और हम लोग को 10 महीने का क्यों मिलेगा? छुट्टी होता है तो सबके लिए होता है कि केवल रसोइयों के लिए होता है? तो सरकार से आपकी क्या क्या मांग है, क्या आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है? हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग को सरकारीकरण किया जाए, हम लोग को अस्थाई किया जाए, हम लोग को रसोईया कामों से किसी को बाहर नहीं निकाला जाए और हम लोग को न्यूनतम वेतन से जोड़ा जाए। हम लोग को साल में 2 पोशाक मिलना चाहिए और 5 लाख की जीवन बीमा होना चाहिए, जो कि कोई जगह हम लोग को चोट लगने से इलाज कराने का भी व्यवस्था सरकार से होनी चाहिए, जो कि हमारी गरीब महिलाएं इलाज करा सके अपनी चोट घाट लगने पर। मतलब आप लोग चाहते हैं कि सरकार आप लोग को परमानेंट कर दे, ठीक है ना? जी। और अगर सरकार आपकी मांगों को अनदेखा करती है, आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? सरकार यदि हम लोग की मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोग सोचे हैं कि मई महीना से सभी रसोईया बहने हड़ताल पे उतरने की हम लोग मांग रखे। यदि हम लोग की मांग अप्रैल से लागू नहीं होगा तो हम लोग मई से हड़ताल पे उतरने की कोशिश करेंगे। हम क्या है? शिखा त्रिपाठी। आप कहाँ से आए? झारखंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट सिंहभूम चक्रधरपुर। यहाँ पे जो महिलाएं आज इतनी जनसंख्या में जुटी हुई हैं, इनके पीछे का कारण क्या है, ये यहाँ क्यों आई हुई है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? ये जो जितने भी सरकारी जो स्कूल है उसमें जितने भी रसोइयाँ हैं वो अधिकतर महिलाएं हैं, लेकिन उनको सिर्फ कुछ मानदेय दिया जाता है। इन लोगों को परमानेंट नहीं किया गया है, इन लोगों को ना कोई पेंशन है, ये सिर्फ, लेकिन ये बहुत समय देती है बच्चों को जो पुष्टिकर खाना दिया जाता है, ये तैयार करती है, मेहनत करती है, लेकिन इन लोगों को जैसे स्कूल के टीचर हैं या बाकी जो सरकारी जो काम करते हैं, जो अधिकारी हैं, जो भी हैं, लेकिन इन लोगों को सरकारी काम में लोगों को नहीं लिया गया, कुछ खूब कम पैसा में लोगों को रखा गया है। तो इनका मांग है कि इनको पेंशन होना चाहिए, इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, इन लोगों को सरकारी काम में इन लोगों को जोड़ना चाहिए। तो ऐसे इंडिपेंडेंट हूँ मैं, लॉयर हूँ और पहले इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती थी कॉलेज में, मैं इससे जुड़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं देखने आई हूँ औरतों का एम्पावरमेंट की लड़कियाँ कैसे अपने मांग को ले सकती हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इनके छोटे से पैसा में एक कम पैसा में ही ये अपना परिवार चलाती हैं और इन लोग को जॉब में शामिल करना चाहिए। क्या मांग है, क्या मांग है? बोल। आप लोग अपने ही भाषा में बोलिए कि आप लोग क्या मांग है। संजय जी क्या क्या मानदेय माने वेतन दिया हो ना? संजय जी क्या अध्यक्ष, किसी को वेतन नहीं मिलता। अच्छा, मतलब आप संजय जी का और अध्यक्ष को वेतन नहीं मिलता है? क्या चाहिए? ड्रेस। और पेंशन बीमा। अरे बोलो बोलो बोलो। पेंशन और बीमा भी चाहिए आप लोग को?
ड्रेस आप लोग को ड्रेस नहीं मिलता है वहाँ तो देखे कुछ कुछ लोग को वहाँ पे टोपी ड्रेस मिला हुआ है आप लोग को वैसा नहीं मिला है नहीं नस जैसा नहीं हम लोग साड़ी अच्छा आप लोग साड़ी संजय जी का मंदिर होना चाहिए स्कूल ड्रेस ऐसा साड़ी अच्छा आप लोग भी बच्चों के हिसाब अच्छा ठीक है तो यहाँ आप लोग इतनी दूर से आए हैं सरकार से मिलने के लिए और सरकार तो यहाँ मुख्यमंत्री जी नहीं पहुँचे हैं तो फिर आप लोग क्या अगर मंत्री जी आपके बातों को नहीं सुनते हैं नहीं मानते हैं तो फिर आप लोग क्या आगे करिएगा इससे आगे करेंगे या रहेंगे जब तक हम लोग को पूरा नहीं होगा इतना देर से हम आए हैं बूढ़ा गुड़ा से संजू जी का तो जीरो बिला से काम कर रहे हैं और हम लोग नहीं होगा तो हम लोग यहाँ रहेंगे और बोलो 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 अच्छा आप संजय जी का है संजय जी के हाँ बोलो और कितने साल से काम कर रहे हैं 2000 स्टार्टिंग 4 से और उतने दिनों से आपको आज तक वेतन नहीं मिला है नहीं ओ मैंने क्या बोलेंगे बोलो बोलो ये बोलो बंगाली में ही बोली ना ठीक है समझ में आ जाए बोलो बोलो अच्छा 2004 से जो आप जुड़े हुए हैं बोल रहे हैं तब तक से आपको वेतन नहीं मिला है एक भी बार बिना वेतन का फिर आप लोग इतना दिन से काम कैसे कर रहे हैं आप लोग का पोसाई कैसे पड़ता है काम कर रहे हैं ऐसे बस सेवा रूप में तो मिलते खाना तो मिल रहा है और मिलेगा रुपया अच्छा तो बस आप लोग बिना वेतन का जो है सेवा रूप से काम कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि आपको वेतन मिलना चाहिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सवालों का जवाब देने के लिए।